हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस स्ट्रीट स्टाइल वेज मोमोज की रेसिपी। और इन मोमोज को हम बिना स्टीमर के कढ़ाई में बना करके तैयार करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट जूसी मोमोज बन करके तैयार हुए हैं। और इसकी जो स्टफिंग बनाएंगे ना हम, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो आइए बिना देरी किए इस डिलीशियस से मोमो की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें अब हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और साथ ही 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ जाने से मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो गेहूँ के आटे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं मोमोज बनाने के लिए। अब इसका हमें डो लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे रोटी या पराठे के लिए हम एकदम सॉफ्ट सा डो लगाते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें सॉफ्ट डो लगाना है। ज़्यादा हार्ड डो हमें नहीं तैयार करना है। और ये देख सकते हैं, इसका मैंने एकदम सॉफ्ट सा डो लगा लिया है, ये देख सकते हैं। अब इसे हम एक गीले कपड़े से ढककर 15 से 20 मिनट रेस्ट पर रख देते हैं। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, हम इसके लिए बना लेंगे स्टफिंग। तो जिसके लिए यहाँ मैंने 1 पत्ता गोभी ली है, इसे मैंने बारीक ग्रेट कर लिया था, ये देख सकते हैं। इसी के साथ 2 गाजर ली थी, इसे भी मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है। 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने एकदम फाइनली चॉप कर लिया है। और 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया था। इसमें अब हम 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक डालने से सब्जियां मॉइस्चर छोड़ेंगी और इसमें से पानी रिलीज़ हो जाएगा। और यहाँ आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई और सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैंने नमक को अच्छी तरह से, ये देखिए, मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मैंने 1 सूती का पतला कपड़ा लिया है, इसमें हम सारी सब्जियों को डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब निचोड़ते हुए जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हमें निकाल देना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना, वो हमें निचोड़ कर अच्छी तरह से निकाल लेना है। इससे हमारी स्टफिंग आगे जाकर गीली नहीं होगी। और ये जो पानी इसमें से निकला है ना, इसे फेंकिएगा नहीं। आप इसका इस्तेमाल किसी भी सब्जी में कर सकते हैं, या फिर आप इससे सूप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारी स्टफिंग को मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, देख सकते हैं एकदम सूखी सूखी ड्राई हो गई हैं, इनमें बिल्कुल भी अब मॉइस्चर नहीं है। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च में ना मोमो का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। इससे ज़्यादा हम कोई मसाला और ऐड नहीं करेंगे। अच्छी तरह से सारे मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। और लीजिए, हमारी झटपट से क्विक स्टफिंग बन करके तैयार है। तो आटे को भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। हम हल्के हाथों से इसे वापस से मसल लेंगे। और अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोई काट लेते हैं। तो जितना बड़ा हमें मोमो बनाना है, हम उस हिसाब से लोइयां कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब एक लोई को लेकर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर, और एकदम पतला हमें बेलना है। तो यहाँ ज़्यादा मोटा हमें नहीं रखना है, एकदम पतला सा हमें बेलना है। तो ये मोमो शीट, ये देखिए, मैंने पतली सी बेल ली है। तो जैसे पूड़ी हम बेलते हैं, ठीक उसी तरह से बेलेंगे। तो देख सकते हैं कितनी पतली मैंने ये मोमो शीट बेली है, ये देखिए। अब इसके सेंटर में हम स्टफिंग रख लेंगे। तो स्टफिंग यहाँ मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी है, इससे मोमो का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब हम इसके ऊपर प्लेट्स बनाएंगे। तो ये देखिए, 1 प्लेट के ऊपर 2 प्लेट लगते हुए इस तरह से हमें मोमो को बंद करना है, और स्टफिंग को हमें सेंटर में रखते जाना है, ये देखिए इस तरह से। बहुत ही आसानी से बन जाता है ये, बस आपको 1 प्लेट के ऊपर 2 प्लेट रखते जानी है, ये देखिए इस तरह से। तो जितनी ज़्यादा प्लेट्स बनेंगी ना, मोमो देखने में उतना ही सुंदर लगेगा, ये देखिए। और एंड में जो ऊपर का पोर्शन है, इसे हम सील कर देते हैं। तो ठीक जैसे हम मोदक बनाते हैं ना, उसी तरह से हम मोमो बना करके तैयार करेंगे। और ये देखिए, इसे मैंने सील कर लिया और बहुत ही आसानी से 1 मोमो बन करके तैयार हो गया। और सेम इसी तरह से हम बाकी के सारे मोमोज बना करके तैयार कर लेंगे। और इधर कढ़ाई में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, इसे हम ढक देते हैं बॉईल होने के लिए। और दूसरी तरफ मोमो को स्टीम करने के लिए यहाँ मैंने 1 प्लेट ली है, जिसे मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया था, ये देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम 1-1 मोमो सेट कर देते हैं। अगर आपके पास जाली वाली ट्रे है तो वो उससे काम और भी आसान हो जाएगा। तो सारे मोमोज को यहाँ मैंने अरेंज कर लिया है, और इधर पानी भी गर्म हो गया है, ये देखिए। तो इसके अंदर अब हम मोमो वाली प्लेट रख देते हैं। और किनारों से स्टीम आनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ढक्कन लगाकर अब हम 15 मिनट के लिए मोमोज को स्टीम होने के लिए छोड़ देते हैं। फ्लेम को इस बीच हम हाई ही रखेंगे। और 15 मिनट के बाद ये देख सकते हैं, मोमो बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर शाइन आ गई है,
साथ ही ये ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं और साइज में बड़े भी हो गए हैं। तो इन्हें निकाल कर हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इन्हें सर्व करेंगे। तो लीजिए, हमारे मोमोज बनकर के तैयार है और इन्हें सर्व किया है मैंने रेड चटनी के साथ। अगर आप इस चटनी की रेसिपी जानना चाहते हैं ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसकी चटनी की रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए अंदर से मोमो कितने जूसी बने हैं, ये देख सकते हैं। तो इस मोमो की रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसी एक डिलीशियस सी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।